मैं आपको बताता हूँ एकदम इजी तरीका, किस तरीके से ब्रीड करते हैं, किस तरीके से रखने का, क्या खिलाने का और क्या करने का। ओके, आप पूरा वीडियो देखें। तो फ्रेंड्स, आज है मैं परी फिश एक्वेरियम में और आज हमें बताने वाले आरिफ भाई रिगार्डिंग एंजल फिश। तो एंजल फिश के बारे में जिन लोगों को भी डाउट्स है आज पूरे क्लियर होने वाले और आरिफ भाई हमें बताने वाले एंजल फिश के बारे में। भाई लोग, मैं आप लोगों को बताता हूँ एंजल ब्रीड करने का तरीका। आज बहुत इजीली है, कोई भी कर सकता है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या, बच्चे लोग को बचाना, थोड़ा सा कोशिश करें तो हो जाएगा, इंशाल्लाह बच्चे बच जाएंगे। इजी तरीका एकदम, मैं आपको बताता हूँ एकदम इजी तरीका, किस तरीके से ब्रीड करते हैं, किस तरीके से रखने का, क्या खिलाने का और क्या करने का। ओके, आप पूरा वीडियो देखें, एंड तक देखें वीडियो और स्किप ना करें, और चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। और इंशाल्लाह मैं आप जितना लाइक करेंगे, जितना मेरे को कमेंट्स करेंगे, अच्छा करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको हर एक वैरायटी की ब्रीडिंग करने का तरीका बताऊं। तो आरिफ भाई, ये टैंक के लिए साइज कम से कम क्या होना चाहिए? टैंक का साइज, टैंक का साइज 1.5 फुट का, 2 फुट का, या फिर जैसा साइज है वैसा। एंजल का कोई इशू नहीं है भाई, आपस में मारामारी नहीं करते लोग, फाइटर फिश है, अपन बहुत छोटे साइज के टैंक में उसको रख सकते हैं, उसका ऐसा नहीं है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी एंजल भी एक दूसरे को मारते हैं, जब उसका सीजन आ जाएगा तभी थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, कभी कभी मेल फीमेल हो जाता है, बट इतना प्रॉब्लम नहीं है, साथ में रख सकते हैं, छोटे टैंक में भी रख सकते हैं। अगर छोटा टैंक बनाना है तो 1.5 फुट का होना चाहिए, 1.5 फुट का टैंक चाहिए कम से कम। 1 फुट में भाई मच्छी कोई भी नहीं पलती सही से। ओके, कम से कम 18 इंच का टैंक चाहिए, मिनिमम 18 इंच, उससे कम नहीं। उसके बाद फिर मच्छी का मतलब ही नहीं है पालने का, एकदम छोटे से टैंक में पालते हो तो। अगर 1 फुट में पालना है तो आपको बेटा फिश पालो, या फिर एंजल पालना है तो बड़ा ही टैंक लगेगा 18 इंच। जैसा कि बेटा फिश नहीं तो गप्पी फिश पाल सकते हैं। नॉर्मल आप छोटा मच्छी पालेंगे तो इट्स ओके, क्योंकि इन लोग का साइज बड़ा होने वाला रहता है। तो इन लोग को 18 इंच मिनिमम टैंक को चाहिए कम से कम। बाउल में तो सोचना भी नहीं, बाउल में भाई कंजेस्टेड जगह पे रख के मतलब नहीं है मच्छी को भाई। अगर रखना चाहते हो तो 12 इंच का, 10 इंच का बाउल में रखते हो तो वो भी 2 ही मच्छी आपको रखना पड़ेगा, 2 एंजल रखना पड़ेगा। ओके, तो वो भी अगर एंजल पे सैक्रिफाइस करना। हाँ, मगर इनको भाई ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि बाउल में ले जाकर रख दूंगा, तो उसको ऑक्सीजन लगाना जरूरी है। तो ये फिश को ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है भाई, ऑक्सीजन मशीन आपको लेके उसमें लगाना ही होगा। हाँ, एक ऑक्सीजन मशीन होगा, फिल्टर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आज के तारीख में अगर मच्छी बंदा पालता है तो नॉर्मल है, उसको लगाना जरूरी है। तो अभी भाई, ये एंजल फिश को सिंगल रखना चाहिए, डबल में या ग्रुप में रखना चाहिए? भाई ये ग्रुप में रहने वाली मच्छी है, आप अगर इसको सिंगलली पालना चाहते तो सिंगल अच्छा भी नहीं लगेगा थोड़ा सा, तो आप इसको कॉमन में रखें और क्वांटिटी में रखें। जितना क्वांटिटी में एंजल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये मच्छी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ऐसा जगह पे खड़े रहती है जैसे डिस्कस जैसा, बट दिखने में खूबसूरत है, थोड़ा नज़रों को भी अच्छा लगता है। एंजल जैसी, उसका नाम है एंजल, वैसी दिखती भी एंजल है, वो खूबसूरत रिच लुक है उसका, काफ़ी अच्छी लगती है। एंजल के अंदर काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ है, तो आप अच्छी अच्छी वैरायटी रखो, अच्छे अच्छे एंजल रखो। अगर एंजल रखना है तो थोड़ा थोड़ा मिक्स में रखो, चार चार रखो, दो दो रखो, तीन तीन रखो, वैरायटी बनाओ अच्छी। एंजल का टैंक बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आरिफ भाई, ये जो एंजल फिश है इसके कौन से टैंक मेट्स है? एंजल के साथ में आप भाई गलती से मौली मत डालना, टाइगर बाप मत डालना। ओके, ये फिन निप करती है, हाँ, तो उसके टेल खा लेगी। और टाइगर बाप भी है, ऐसी मच्छी है टाइगर बाप, तो आप सब लोगों को पता होगा, ये मच्छी भी उसके टेल खाएगी। आप डॉलर के साथ में इसको रख सकते हो, और तो डॉलर के साथ रख सकते हैं ना? हाँ, डॉलर के साथ में, आप सिल्वर शार्क के साथ में या नॉर्मल शार्क के साथ में भी रख सकते हैं। काफ़ी लोग तो गोल्ड फिश में भी रखते हैं, मगर कभी कभी गोल्ड फिश को एंजल मारता है, गोल्ड फिश को थोड़ा सा मारता ही है, कभी कभी निप करता है, बट आप रख सकते हो, उसको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा मारता है वो, बट रख सकते हैं, एंजल का प्रॉब्लम नहीं है। और एंजल को नियॉन टेट्रा वगैरह में मत रखना, आप नियॉन टेट्रास के साथ में एंजल नहीं रखना, और टेट्रास के साथ में एंजल नहीं चलता है। अगर बहुत से लोग बोलते हैं, सवाल पूछते हैं कि भाई हम इसको प्लांटेड में रखें क्या, तो प्लांटेड अगर टैंक बड़ा है तो आप रख सकते हैं, अगर छोटे टैंक में मत रखना, कभी कभी इन लोग प्लांट्स भी उखाड़ लेते हैं थोड़ा सा। आप रेम्बो वैराइटीज़ के साथ में इसको रख सकते हैं, जैसे कि बोस्मानिया रेम्बो, कॉपर रेम्बो, नियॉन रेम्बो, रेम्बो की बहुत सारी वैराइटीज़ आती है जो आप एंजल के साथ में रख सकते हो। एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी एंजल रखा हूँ यहाँ पे, ये टैंक के अंदर, ये एक नॉर्मल गुरामीज़ भी, डेनासोनी वगैरह भी आप रख सकते हो, जैसे हमने रखे, ये नियॉन गुरामी, ड्रॉप गुरामी जो आती है अच्छी क्वालिटी की, थोड़ी सी इम्पोर्टेड, ये निप नहीं करती है, जंगली गुरामी में ना डाले इसको, जंगली गुरामी इसको मारती है, जैसे कि सादी गुरामी होती है ब्लू, और गोल्डन गुरामी होती है, और किसिंग गुरामी, इन लोग इसको थोड़ा सा खतरनाक, थोड़ा सा मारेंगे, चांसेस है।
अगर आप एंजल रखना चाहते हो तो एंजल की बहुत सारी वैरायटीज़ आती है, आप थोड़ा सा मिक्स में एंजल किए करें और काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ के एंजल आते हैं और एंजल काफ़ी बड़े होने के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक पर्टिकुलर साइज़ होता है एंजल का, एंजल जब बड़े होते हैं तो कम से कम 5-5, 6-6 इंच के हो जाते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन सी माई अपकमिंग वीडियोज। फिल्टर के लिए आप उसको स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ करो भाई, इसको पावर फिल्टर इसमें आपने रखा हुआ है। हाँ, नॉर्मल स्पॉन्ज फिल्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि ये फ्लो नहीं झेल सकते, नाजुक मच्छी है थोड़ी सी। तो आप तो इसको पावर फिल्टर नहीं यूज करना है। पावर फिल्टर भाई हर मच्छी में नहीं चलता है, पावर फिल्टर ज़्यादा बड़ा टैंक होगा तो ठीक है। हाँ, इट्स ओके, अगर आपका 6 फुट का या 8 फुट का टैंक है समथिंग, या 5 फुट 4 फुट का टैंक है, तो आप पावर फिल्टर लगाते तो उनको फटका नहीं लगता है, क्योंकि वो एक स्पेस पकड़ लेते, कोना पकड़ लेते, क्या होता है कि वो फ्लो की तरफ नहीं जाते वो। तो बेस्ट है कि स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ करें, बेस्ट है स्पॉन्ज फिल्टर। हाँ, बड़े टैंक में अगर आप लगाना चाहते हो तो पावर फिल्टर लगा सकते हैं, बट छोटे टैंक में अगर करना चाहते हो तो स्पॉन्ज फिल्टर सबसे बेस्ट है, उससे मच्छी डैमेज नहीं होती ज़्यादा करके। और आप एंजल का एक सेटअप करो अच्छा सा, एंजल का अगर सेटअप करते हो, नॉर्मल सेटअप है, कोई ज़रूरी नहीं है, नीचे गोल्डन सॉइल डाल दो, वाइट कलर का बैकग्राउंड लगा दो आजू बाजू में, थोड़ा सॉइल, थोड़ा सा ड्रिपवुड डाल दो, थोड़ा सा अपना कोई भी एंटिक मतलब सिरामिक का आइटम रख सकते हैं आप उसके अंदर, और तो टैंक रेडी हो जाएगा आपका। टैंक रेडी सबसे इजी, नॉर्मल स्पंज फिल्टर पे आपको करना है इजीली एकदम, सबसे ज़्यादा गंदा भी नहीं करती है। हाँ, एंजल ज़्यादा गंदा नहीं करता, पानी भी आपको चेंज पूरा नहीं करना है इसका, ज़्यादा साइफन नहीं मारने का, पानी ज़्यादा चेंज नहीं करने का, 25% इट्स ओके। मेडिसिन ईजी है, आपको एंटीबायोटिक में कोई भी टेबलेट यूज़ करो, कैप्सूल यूज़ करो इसके अंदर, जैसे कि सिप्लोफ्लॉक्सासिन या टेट्रासाइक्लिन या पैरेक्सिन वगैरह कोई भी यूज़ करो इसके अंदर इजीली है, इसको स्टमक का प्रॉब्लम जल्दी होता नहीं, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है, सबसे अच्छी मच्छी है, इजीली आप उसको पाल सकते हैं भाई। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भाई हमको एंजल ब्रीड करना है, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि बोले हमको एंजल का मेल फीमेल पता नहीं चलता है किस तरीके से मेल है और फीमेल है। तो आप लोगों को सबसे पहले बात बताऊंगा भाई मैं कि एंजल ब्रीड करना होता है तो आप सबसे पहले आपको एंजल ख़रीदना है, एंजल ख़रीदने के बाद आपको एक कॉमन टैंक में एंजल को रखना है, मिनिमम आपको अगर ब्रीडिंग के पर्पज़ से आपको उठाना है तो कम से कम 1 डज़न या 2 डज़न एंजल लेना पड़ेगा आपको, तो ही उसके अंदर आपको कॉमन में, अगर नॉर्मली आपको नहीं पता चलता है कि एंजल मेल है या फीमेल है, तो आप कॉमन में ले लो, 1-2 डज़न ले लेंगे तो आप उसके अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों मिल जाएगा उसके अंदर। तो करना क्या, आपको एक टैंक लेना है, टैंक के अंदर आपको एंजल रखना है, एंजल रखना है, एंजल का अगर आप बड़ा साइज़ उठाते हो अच्छा साइज़ तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं छोटा लाते तो बड़ा करना पड़ता है, एज होता है ब्रीड करने का, एक मैच्योर एज होता है इंसानों जैसा। तो आपको एंजल लाने के बाद उसको रखना है टैंक में, अगर अच्छा साइज़ लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर छोटा साइज़ लेते हो तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसको बड़ा हुए तक, उसके लिए रुकना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या करना है, कॉमन टैंक में ला के आपको एंजल छोड़ना है, अगर आप बड़ा साइज़ लेते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े दिनों के बाद वो खुद ब खुद अपना एक साइट में जाना चालू करते, साइट में जाने के लिए आपको एक पैर सेट करना है, तो पैर सेट करने के लिए आपको एक प्लेट आती है, एंजल प्लेट बोला जाता है उसको, वो उसके ऊपर लाइन लाइन होती है, कांच होती है वो, अगर आप वो नहीं रख सकते तो आप लादी का एक टुकड़ा खड़ा करके रख सकते हैं साइट के ऊपर, जो आपकी जो साइट होता है राइट साइड या लेफ्ट साइड में, आप कहीं पर भी एक लादी का टुकड़ा या टाइल्स का टुकड़ा आप पीछे बैक साइड का उसका आप उसको खड़ा करके रखें, आप खड़ा करके रखेंगे तो क्या होता है कि जैसे एंजल अगर सेट होता है फीमेल और मेल के साथ में तो एक कोना पकड़ लेता है, मेल फीमेल अपना साइड में चले जाते हैं, साइड में जाने के बाद होता है कि हाँ साइड में जाने के बाद होता है कि फिर वो दूसरे मच्छियों को मारना चालू करते हैं, तो एंजल जो दूसरे एंजल है वो साइड में चले जाते हैं और मेल फीमेल है वो साइड में हट जाते हैं। उसके बाद सीन ऐसा होता है कि फिर उसके अंदर वो अगर अपने को मालूम पड़ जाता है कि भाई ये एक मेल है और ये फीमेल है, आप उसको वो मेल फीमेल को साइड में निकाल लो एक छोटे से टैंक में, जैसे कि उसका साइज़ छोटा रहेगा तो भी चलेगा, 1 फुट का 1.5 इंच का 18 इंच के टैंक में भी आप उसको रख सकते हैं, 1 फुट के टैंक में भी आप एंजल को ब्रीड कर सकते हैं। वही प्लेट आपको लेना है, एक प्लेट उसके अंदर लगा लेना है साइड में और वो पैर को आपको रखना है, तो जब वो कॉमन में चले जाते तो फिर वो फीमेल अंडा लगाती है और मेल उसको हैचिंग करता है। ओके, उसके बाद अंडा और फीमेल दोनों लगाने के बाद अगर मेल ने अगर हैचिंग किया है, बहुत से लोग का सवाल होता है कि भाई हरीफ भाई के बोले वो अंडा मेरा हैच नहीं हो रहा है, ख़राब हो रहा है, वाइट पड़ रहा है, फंगस आ रहा है, तो उसका रीज़न ये होता है कि जो मेल होता है तो मेल फल्टाइल नहीं करता है, उसका स्पर्म में जो होता है पावर नहीं होता है, तो वो हिसाब से फल्टाइल नहीं करता, तो फल्टाइल नहीं करता है तो उसका स्पर्म थोड़ा सा कमज़ोर होता है, मेल का हैचिंग का थोड़ा सा प्रक्रिया कम होता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर मेल अगर फल्टाइल नहीं करता है तो आपको मेल चेंज करना पड़ेगा, तो मेल चेंज करने के लिए फिर से आपको फीमेल को वापस से कॉमन में डालना है, उसके बाद वो सेकंड मेल लगाएगी। ओके,
वो तो नेचुरल है कि वो हैच करेगा नहीं करेगा, वो तो नेचुरल है। अगर आपको दूसरा चेंज करना पड़ेगा मेल, तो उसके बाद फीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा कमज़ोर रहने की वजह से मेल भी हैचिंग नहीं करता है, थोड़ा उसको रेस्ट देने का, सेकेंड मेल को यूज़ करने का। ओके, तो सेकेंड मेल जब लेंगे तो उसके बाद आप उसको वापस से वही प्रक्रिया रहेगी, साइड में स्लेट लगेगा, उसके बाद आप उसको ब्रीड करेंगे। ब्रीड करने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद 48 आवर्स के बाद बच्चे हिलने लगते हैं अंडे के अंदर से, अगर सक्सेस होता है तो। अगर सक्सेस नहीं होता है, फर्टिलाइज करने के बाद भी ख़राब होता है, तो फिर अंडे वेस्टेज है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करने का उसको। तो फर्टिलाइज करने के बाद आपको 48 आवर्स के बाद आपको बच्चे निकलेंगे और बच्चे वो घूमते रहेंगे अंदर। तो बच्चे इसका डिस्कस के जैसा इसका सीन नहीं है, बच्चे बॉडी पे लेता है, ये एंजल है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको मेल फीमेल को निकाल देना है साइड में, मेल फीमेल को निकाल दो। कभी कभी होता है कि मेल फीमेल नहीं निकालेगे तो एंजल कभी कभी खा भी लेता है बच्चा, तो साइड में निकाल लो आप इसको। इसको निकालने के बाद इसको 1 से 2 दिन तक आपको रुकना है, 1 से 2 दिन के बाद आप इसको इन्फोसिया बना के डालना पड़ता है। इन्फोसिया एक बैक्टीरिया होता है, कल्चर है, वो आपको बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए आपको एक टैंक में एक तो सलाद का पत्ता डालते हैं, सलाद का पत्ता आता है वो डालो, और 2-3 ड्रॉप दूध का डालने का, अगर आप उससे बना सकते तो उससे बना सकते हैं। सेकेंड उसका है इन्फोसिया बनाने का तरीका, केले का छिलटा, केले का छिलटा आप 1 से 2 केले के छिलटे डालो टैंक के अंदर, एक सेपरेट टैंक में बनाना होता है इसको, तो वो केले का छिलटा डालो, 1-2 ड्रॉप आप दूध के डालो उसके अंदर, 24 घंटे के अंदर इन्फोसिया बनता है। इन्फोसिया वो होता है कि जो ऊपर जो इसके ऊपर एक परत आती है वाइट कलर की, वो वाइट कलर की परत आपको निकाल के इसको डालना है एंजल को। एंजल को आपको 3 से 4 दिन ये प्रक्रिया करना है, उसके बाद आपको डैफनिया डालना है। डैफनिया जो होता है बारीक बारीक एक कीड़ा होता है, ये डैफनिया अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसको ब्राइन स्टिंग भी डाल सकते हो। ब्राइन स्टिंग थोड़ा सा महंगा आता है, तो आप डैफनिया कोशिश करें, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके क्या हो गया, एंजल थोड़े से कमज़ोर होकर बच्चे मर जाएंगे। काफ़ी लोगों के पास घर में ही ब्रीड हो जाते हैं एंजल, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भाई बच्चा बचाना है, बचाने के लिए वो काफ़ी ढूंढते हैं, काफ़ी शॉप पे जाते हैं, भाई मेरे पास एंजल का बच्चा हुआ है, मेरे पास लॉरन का बच्चा हुआ है, उसके खिलाने के लिए क्या है। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, एक तो ब्राइन स्टिंग डाले आप, नहीं तो आर्टिमिया वगैरह आता है, आर्टिमिया भी डाल सकते आप। तो आपके लिए ऑप्शन सबसे अच्छा यही डैफनिया, अगर डैफनिया अगर मिलता है तो इट्स ओके, चलेगा। डैफनिया डालना पड़ेगा आपको, वो भी डैफनिया डालने का तरीका ऐसा है कि आपको डैफनिया छान के डालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं शिफ्टेड डैफनिया। क्या होता है कि उसके अंदर से जो बच्चे निकलते हैं बारीक बारीक जो डैफनिया में, वो डैफनिया के बच्चे आपको उसको खिलाना है एंजल। डैफनिया डालने के बाद आपको 3 से 4 दिन आपको डैफनिया खिलाना है, 5 दिन या 6 दिन भी खिला सकते हैं आप उसको। उसके बाद आपको नॉर्मल ट्यूबिफेक्स वर्म्स आता है, सादा कीड़ा। सादा कीड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ब्लड नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्लड होता है जाड़ा, तो ब्लड मुँह में नहीं लेंगे बच्चे लोग, तो आप उसको सादा कीड़ा डालें। सादा कीड़ा डालने से बच्चे लोग खा लेंगे, बारीक सा कीड़ा होता है, ट्यूबिफेक्स वर्म्स बोलते हैं उसको। अगर लाइव वर्म्स किधर नहीं मिलता है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि फिर उसको थोड़ा सा अपना झींगे का पाउडर वगैरह करके डाल सकते हैं, बारीक करके एकदम क्रश करके डाल सकते हैं। तो आप उसको डालो, कीड़े पे रहो उसको, कीड़े पे के बाद ट्रांसफ़र होने के बाद उसको फिर आप उसको कीड़े पे रख सकते हैं, साइज़ बड़ा करे तक उसको कीड़े पे रख सकते हैं। कितना साइज़ होने के बाद नॉर्मल फिश फूड हम उसे दे सकते हैं? एक पर्टिकुलर साइज़ होता है कि बच्चे का, कि उसका जो मुँह होता है बहुत बारीक होता है, अगर आप उसको उसके बाद अगर सादा कीड़ा या अपना फूड वगैरह डालेंगे तो बच्चे के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। बहुत से लोग गाय करते हैं, भाई कीड़ा नहीं मिल रहा है तो उसको सादा फूड डालना चालू करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग ऑप्टिमम फूड डालते हैं, गोल्डफिश का फूड डालते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। तो आप लोग उसको थोड़े दिन कीड़े पे रखें, उसके बाद अगर अच्छा साइज़ हो जाता है, जैसे कि 10 रुपये का कॉइन का साइज़, जब तक आप उसको कीड़ा ही खिलाओ, उसके बाद आप उसके अंदर फ्लैक्स वगैरह डाल सकते हैं। बच्चे है हाँ, बच्चे को आप फ्लैक्स वगैरह डाल सकते हैं। फ्लैक्स जो होता है एक फूड है जो एकदम पतला होता है, कागज़ के जैसा होता है। हाँ, आप उसको थोड़ा पानी में गीला करके वो डाल सकते हैं बच्चे लोगों को, तो आपका एंजल रेडी हो जाता है। बहुत से लोग फूड पे भी करते हैं, अगर बचपन में ही करना है तो आपको इन्फोसिरिया डालना तो कंपलसरी है। उसके अलावा आप अगर कीड़ा नहीं मिलता है तो फ्लैक्स गीला करके डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो थोड़ा नरम होता है, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अरे भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने जो भी एंजल फिश के बारे में बताया, हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो आपका कुछ कहना है भाई व्यूवर्स को? भाई, जितना भी मुझे आता है मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, अगर गलती हुई तो सॉरी इसके लिए। मेरे बड़े बड़े दिग्गज पड़े हुए हैं बॉम्बे के अंदर और इंडिया के अंदर, तो जितना भी आता है मैं बताता हूँ, मेरी तरफ से गलती हुई तो सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। बट मैंने आपके सामने बता दिया किस तरीके से एंजल का ब्रीड करने का तरीका है, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड लोग हैं जो एंजल ब्रीड करते हैं, रेजिंग करते हैं, इससे उससे बच्चे लेते हैं और रेजिंग करते हैं। मेरे खुद के हैं, मेरे बहुत फ्रेंड है बॉम्बे के अंदर भी, शायद वो भी वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा।
क्या लिखने क्या बताया। साथ आपने हमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया कि उनके साथ में कौन सी फिश रखना है कौन सी नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो हमारा मिस्टेक यही होता है। एक्चुअली क्या होता है कि भाई मैंने भी स्टार्टिंग जब किया था फिशेस के लाइन में आने से पहले तो मैं भी ब्रीड करता था। सबसे पहला मैंने स्टार्टिंग में मेरा सबसे पहला ब्रीड है फ्लोरॉन, उसके बाद फिर मैंने ऑस्कर, एंजल, डॉलर, नियॉन टेट्रा, ब्लैक घोस्ट और डिस्कस, एंड में मैंने डिस्कस मारा हूँ और काफ़ी सारी वैरायटी मारी, टाइगर बाप भी मारा हूँ मैंने। और मैं सबसे पहला ये लाइन में जब आया, मैंने शॉप लिया तो सबसे पहला मैं ब्रीडिंग सीखा, तो उसके बाद मेरे को जितना भी नॉलेज है इंशाल्लाह मैं सब बांटूंगा आप लोगों में, आपको वीडियो के जरिए से सब बताऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू आरिफ भाई, ऐसे ही बाकी फिश के भी हम वीडियोस बनाएंगे और बहुत सारे लोगों के अच्छे व्यूज आ रहे हैं और अच्छे उनके कमेंट्स आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ आपका जो वीडियो है उनसे उसको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। तो ऐसे ही बाकी फिश के भी हम वीडियोस बनाएंगे इंडिविजुअल में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से अच्छा बताने के लिए, जो भी मेरे को आता आप ट्राई करें इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे भी, कोई बड़ी बात नहीं है। एंजल लेना है नॉर्मल सा, 24 पीस लेना नॉर्मल ब्रीड हो जाता है। आपको बट साइज करना जरूरी है, पहले आप पालना सीखेंगे तो इतना आप हो जाएगा इजीली, कोई मुश्किल नहीं। थैंक यू आरिफ भाई फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। ओके थैंक यू वेरी मच आपको मेरा चैनल देखने के लिए। बाय अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स ऊपर में जो सर्कल दिया उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।